स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है CS 209 सब्जेक्ट इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज से। पहला यूनिट का पहला है टॉपिक इंटरनेट बेसिक कंसेप्ट। तो इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट हमारे पास क्या है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट मींस है इंटर नेटवर्क या इंटर नेटवर्किंग। आप इंटर नेटवर्क भी कह सकते हो, इंटर नेटवर्किंग भी कह सकते हो। तो इंटर नेटवर्किंग का मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स या एक से अधिक नेटवर्क्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो कनेक्ट हैं, ग्लोबली कनेक्ट हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी नेटवर्क हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उनके जुड़ने का रीज़न क्या है या वो किस चीज़ के लिए जुड़े हुए हैं या कौन कौन सी काम करते हैं वो हम आगे देखेंगे। जब वो नेटवर्क्स जुड़ते हैं तो उनके बीच में कनेक्टिविटी चाहिए होती है, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। उसके लिए आपकी राउटर्स होते हैं जो राउटिंग का काम करते हैं कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अगर फाइल भेजना चाहें तो किस पाथ से होते हुए जाएंगे। स्विचेज होते हैं, मोडेम होते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए, सिग्नल्स के लिए। टेलीफोन लाइन्स होती हैं, टेलीफोन लाइंस हैं उसके द्वारा भी सिग्नल, क्योंकि कनेक्शन सेटेलाइट कनेक्शन होता है, फाइबर ऑप्टिक होता है, केबल्स होती हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज करते हैं, चैनल्स होते हैं। जितने भी टाइप के कनेक्शन मीडियाज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट या कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, उन सभी का हम उसको यूज़ करते हैं। तो एक से अधिक नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े होना इंटरनेट कहलाता है, और इंटरनेट का यूज पिछले सालों में काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम आते हैं कि इंटरनेट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो साधारण रूप से हम ये समझ सकते हैं कि एक ये नेटवर्क अलग अलग स्पेसेस में पड़े हैं वर्ल्ड में, कहीं भी किसी भी देश में किसी भी जगह पे किसी बिल्डिंग में ये है, और उनका कनेक्शन टेलीफोन, वायरलेस, सेटेलाइट या कोई भी कनेक्टिंग मीडिया है उसके थ्रू है, और वो कनेक्टिंग इंटरनेटवर्क पूरा का पूरा मीडिया जो है यहाँ पर, ये इंटरनेटवर्क कंप्लीट इंटरनेटवर्क यहाँ पे आ जाता है। अब इंटरनेटवर्क के बाद हम देखेंगे कि इंटरनेट पर काम क्या है। तो यहाँ सबसे बड़ा आज जो हम इंटरनेट का यूज़ ले रहे हैं उसमें WWW नाम से चलता है, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब या यूजुअली साधारण रूप से हम वेब भी कहते हैं। वेब मीन्स क्या है कि कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, अलग अलग वेबसाइट्स, कंपनीज की, डिपार्टमेंट्स की, गवर्नमेंट की, प्राइवेट एनजीओज की फाइल्स हैं जो अलग अलग जगह पड़ी हैं। जैसे आप देखते हैं गूगल फाइल है, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है, या दूसरे और भी बहुत टाइप की साइट्स हैं, वेबसाइट्स एप्लीकेशंस हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टोर्ड हैं और वहाँ से आप डेटा को एक्सेस करते हो। और अगर वेबसाइट की बात करें या वेब की बात करें तो वहाँ पे टेक्स्ट है, यानी जो भी रिटर्न मटेरियल है वो हैंड रिटर्न और कंप्यूटर कॉपी और टाइपिंग कॉपी और इमेजेस, फाइल्स, साउंड, वीडियो, तो इस प्रकार जितनी भी टाइप की फाइल्स जनरेट हो सकती हैं कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो सब उसमें है। इसके साथ ही न्यूज़पेपर्स, स्टडी मटेरियल्स, आजकल न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन हैं कम्प्लीटली, और स्टडी मटेरियल भी आपको ऑनलाइन मिलता है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इंटरनेट काम कैसे करता है, तो इंटरनेट के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। नेटवर्किंग में जितने भी कंप्यूटर वगैरह हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं कंप्यूटर्स को, एक है वेब ब्राउज़र और एक है सर्वर। सर्वर वो मशीन है जो वेबसाइट्स को स्टोर रखती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वो वेब पेज क्या होता है वो हम आगे इसमें चलेंगे, HTML वगैरह करेंगे तो वेब पेजेस भी बनाना सीखेंगे। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एक वेबसाइट है, जैसे गूगल का पहला पेज जिसको होम पेज और आजकल इंडेक्स फाइल या इंडेक्स पेज भी कहते हैं, जैसे आप गूगल को ऑन करते हो आपका यूजर नेम पासवर्ड मांगता है। तो ब्राउज़र पे जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम या जो भी मोजिला फायरफॉक्स है, जो ब्राउज़र है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए या उसकी आप फाइल्स को देखने के लिए, आपको ब्राउज़र यानी कंप्यूटर को आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। और इंटरनेट से कनेक्ट करके आप जब उसका एड्रेस लिखते हैं, डोमेन नेम जैसे www.google.com, तो वो रिक्वेस्ट भेजता है उस सर्वर को, और सर्वर रिक्वेस्ट को लेके, और अगर किसी डेटाबेस से कोई
जैसे आपने www.google.com किया तो उसका पेज होम पेज आ जाएगा, उसमें यूजर नेम पासवर्ड करोगे, जैसे यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से रिक्वेस्ट होके जाएगा वो अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि आपने यूजर नेम और पासवर्ड सही दिया क्या। अगर सही दिया है तो आपके पेज को जीमेल के पेज को ओपन कर देगा और उस जीमेल के पेज में आपकी फाइल्स शो होंगी, जो भी फाइल्स आपको इनबॉक्स आउटबॉक्स आपके आर्काइव फाइल्स हैं या जो भी फाइल्स आपकी ईमेल में है उसमें आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र है, वो वेब ब्राउज़र क्या होता है, जो आपकी इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है शो करने की, ब्राउज करने की, और सर्वर है वो आपकी रिक्वेस्ट को रिस्पोंड करता है या रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पे हम यूआरएल देते हैं, www डोमेन नेम है, यूआरएल में अगला तो आगे टॉपिक आएगा। अब हम ये देखेंगे कि इस इंटरनेट के यूजेज क्या क्या हैं। इंटरनेट के यूजेज में आप मोस्टली ये देखते हैं कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं आप, कि आपने कोई भी टेक्स्ट, कोई भी आपका टॉपिक आपने लिखा और वो आपको सर्च इंजन सर्च करके जहाँ जहाँ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फाइल्स, वीडियोस, साउंड्स, टेक्स्ट फाइल्स, इमेजेस हैं वो आपको शो कर देगा कि ये मैंने सर्च किया है, उस पर आप क्लिक करके उस फाइल को आप देख सकते हैं। रिसर्च वर्क में अगर किसी रिसर्च स्कॉलर को और कोई वेब आपका रिसर्च पेपर सर्च करना है, अपने से रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड करना है, तो रिसर्च वर्क के लिए उसको काफ़ी रेफरेंसेस मिल जाते हैं। वो रेफरेंसेस आपको इनको सुविधा प्रदान करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं कि उनको वो रेफरेंस लेके अपना रिसर्च का वर्क कर सके। ऑनलाइन एग्ज़ाम, आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम का भी दौर है क्योंकि पेपर वर्क कम होता जा रहा है, एक्सपेंसेस भी कम होते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं पेपर वर्क को कम करके, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपके जब आप लॉगिन करते हैं यूजर नेम पासवर्ड से तो दो घंटे या तीन घंटे या एक घंटा जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर वो आपको पेपर डिस्प्ले करता है, क्वेश्चन डिस्प्ले करता है, क्वेश्चन के आप ऑप्शन ए बी सी डी को क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो ये ऑनलाइन इसमें मैन पावर की भी कम आवश्यकता पड़ती है और आपका टाइमिंग ड्यूरेशन भी फिक्स है जितना टाइमिंग में पेपर होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की नकल या कॉपी या गलतफहमी या किसी भी टाइप की आपको दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद में जैसे हम देखें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बैंक्स में वगैरह होते हैं, तो आप जैसे ही एटीएम से पैसा निकालते हैं या किसी अकाउंट में एटीएम में सबमिट कराते हैं या आप इंटरनेट से बैंकिंग से आप करते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग वो आपको कर देता है। तो ये आपका हो जाता है इसके अंदर। इसके बाद हम आते हैं देखते हैं कि रेलवे रिजर्वेशन की टिकट है उसको भी हमने काम में लिया जा सकता है रेलवे रिजर्वेशन का यूज करके। रेलवे रिजर्वेशन के लिए ऑल ओवर इंडिया में आप देखते हो कि एक सीट बुक करनी है तो उसके लिए कौन सी ट्रेन, कोई भी कोने की, किसी भी इस पर जगह की, किसी भी स्टेट की, किसी भी ट्रेन में आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो इंटरनेट के माध्यम से। उसके बाद में एयरलाइन है आपकी, हवाई जहाज़ की टिकट है वो भी करा सकते हो, होटल बुकिंग भी आप करा सकते हो। उसके साथ ही आप परचेज ऑनलाइन, जैसे आजकल काफ़ी ऑनलाइन परचेजिंग के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिसमें आप में मोबाइल बुक्स एक्सेट्रा आप ऑनलाइन परचेज करते हो। इसी प्रकार से ईमेल भी आप करते हो, फाइल ट्रांसफ़र करते हो ईमेल से, किसी को भी फाइल भेजनी है तुरंत वो उसको मिल जाती है, फाइल उसको मिल जाती है और आपको भी मिल जाती है, आप तुरंत डाउनलोड कर लेते हो, उसमें समय वक्त बचता है और चैटिंग भी करते हैं मैसेज वगैरह आपको, किसी को हैप्पी न्यू ईयर है, एनिवर्सरी मैसेज है एक्सेट्रा, आप उसको इंस्टेंट मैसेजिंग भी कहते हैं। ऑनलाइन मीडिया भी आपको है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो चलती हैं वो ऑनलाइन मीडियाज भी आप देख सकते हो, ऑनलाइन साउंड, ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन साउंड ऑडियो, इस टाइप से आप इनको भी यूज कर सकते हो। डेली टास्क के यूज़ भी आप इसमें कर सकते हो, डेली आपको रिपोर्ट भेजनी है, कोई फॉर्म फिल करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी वो इसमें आपको चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे
इंटरनेट से रिलेटेड आपको रिवाइज मैं करा देता हूँ कि इंटरनेटवर्क या इंटरनेटवर्किंग, जिसको हम इंटरनेट शॉर्ट में कहते हैं, वो ग्लोबली कनेक्टेड हैं बहुत से ऑल ओवर इन वर्ल्ड में बहुत से नेटवर्क हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों वेबसाइट पड़ी हुई हैं और उनको आप यूज़ करते हो तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से फाइल्स, इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, वीडियो, साउंड शेयर करते हैं। और यहाँ पे जो नेटवर्किंग का जो कनेक्टिविटी है उसमें वेरियस प्रकार के राउटर्स हैं, स्विचेज हैं, मोडेम हैं, टेलीफोन लाइंस हैं, सैटेलाइट है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजीज हैं, और आपकी चैनल्स हैं, इन सब को देखते हुए यहाँ हम इसको इंटरनेट कह सकते हैं। इसका फिगर ये है और यहाँ पे इंटरनेट में सबसे बड़ा रोल है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको WW के नाम से भी जाते हैं, जिसको हम वेब भी कहते हैं। और वेब क्या है? कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, वेबसाइट्स के कलेक्शन को हम वेब कहते हैं, जिसमें वेबसाइट्स में जो अलग अलग नाम की वेबसाइट्स हैं, आपको मैंने बताया गूगल है, फेसबुक है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग फाइल्स हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन, NGO, गवर्नमेंट, इनकी वेबसाइट्स हैं, वो भी उस वेबसाइट्स में टेक्स्ट हैं, इमेजेस, फाइल, साउंड, वीडियो एक्सेट्रा, न्यूज़पेपर है, स्टडी मटेरियल है। और इसका हम अगर ये देखें सिंपली कि काम कैसे करता है, तो यहाँ ये जो वेब ब्राउज़र है वो कनेक्ट होता है इंटरनेट से, और आप जब इसको कोई भी डोमेन नेम देते हो, www.google जैसे .com कर दिया आपने, तो वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर के पास उसकी होम फाइल होती है, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह चेक करता है, आपको रिस्पॉन्ड करता है और आगे आपकी फाइल्स को नेक्स्ट करता रहता है। वेब ब्राउज़र इंटरनेट को ब्राउज करने का काम आता है, आपको इन्फॉर्मेशन पेजेस को शो करता है, सर्वर उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनको जो यूजेज हैं इंटरनेटवर्क के या नेटवर्क के या इंटरनेट के, वो यूजेज क्या क्या हैं, वो यहाँ समराइज हम वापस कर लेते हैं। कि पहला तो है आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सर्च, आप कोई भी टाइप की इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं टेक्स्ट देके, या आप लाइन में लिख के कि मुझे ये सर्च करना है, तो आपको सर्चिंग, सर्च इंजन जो है वो इन्फॉर्मेशन सर्च करके आपको दिखाता है, उस पर क्लिक करके आप अपने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। रिसर्च वर्क जो स्कॉलर्स हैं PhD कर रहे हैं, या जो और वर्क कर रहे हैं स्टडी मटेरियल, या कोई रिसर्च कर रहा है, या कोई स्पेस की जानकारी लेना चाह रहा है, या जो भी, तो वो उनके लिए आपका ऑनलाइन रिसर्च वर्क कर सकता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के भी ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम्स होती हैं, वो भी ऑनलाइन हो सकती हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं बैंक में, जैसे आपने ATM से किया है, या नेट बैंकिंग से किया है, या SMS बैंकिंग से किया है, इस टाइप से आपकी ऑनलाइन भी होती है। उसके बाद में आप रेलवे टिकट बुक करा सकते हैं, एयरलाइन एरोप्लेन की टिकट बुकिंग का भी है, होटल बुकिंग का भी है, और आप परचेज़ जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं उसका भी है, ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं, होटल्स वगैरह बुक करा सकते हैं। उसके साथ ही आप इसको ऑनलाइन काफ़ी ईमेल है, ईमेल का भी बड़ा रोल है। सोशल नेटवर्किंग में जैसे फेसबुक है, या इस प्रकार की और बहुत सी वेबसाइट हैं जिसमें आप अपने रिलेटिव्स को फ़ोटो शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जन्मदिन की बधाइयां देते हैं, तो ये सभी इंटरनेट के ऑनलाइन मीडिया में आप अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं पहले से स्टोर्ड, या ऑनलाइन क्लास चल रही है उसको आप देख सकते हैं, आपका रिस्पॉन्स कर सकते हैं, आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप वहाँ से क्वेश्चंस का आंसर आपको रिस्पॉन्ड कर देगा जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। आप अपनी क्यूरीज भी रख सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चैटिंग वगैरह है वो भी आप कर सकते हैं मैसेज वगैरह से। वो इंटरनेट के थ्रू और वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करते हुए, या और बहुत से प्रोटोटाइप्स, प्रोटोकॉल्स, या बहुत से ऐसे रूल्स हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे HTTP है, आगे हम पढ़ेंगे, POP है, HTTP है, इस टाइप के, और नेटवर्किंग के आगे एक सब्जेक्ट है, उसमें भी कंसेप्ट है कि नेटवर्किंग में कैसे कैसे वर्क होता है। तो हम यहाँ पे वेबसाइट वेब WWW इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ें, जिसका उपयोग कैसे, या उसको हम काम में कैसे लेते हैं, और वेब पेजेस को कैसे बनाते हैं। डेली वर्क के रूप में, अगर आपको डेली वर्क के रूप में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है कि आज कितनी प्रोसेसिंग हुई आपने वेबसाइट पे जाके, उसको ऑनलाइन उसकी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, इतना आपने परचेज किया, इतना आपके पास कलेक्शन हुआ,
या आज ये इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी, या इतनी क्लासेज हो गई, या इस टाइप से इतना आपका इन्फॉर्मेशन आप भेज सकते हैं। तो इसके अनुसार आप और अच्छा इसमें फिगर वगैरह यूज करके रेफरेंसेस बुक से, और आप अच्छा लिख सकते हैं। धन्यवाद।